हमारी गाड़ी हो गई बंद, ठंड काफ़ी शदीद थी, तो वो साथ वाले नंबर आए, उन्होंने अब हमारी गाड़ी चार्ज कर रहे हैं बैटरी उसकी। तो चलें जी, ये ठीक होती है तो उसके बाद हम चलेंगे ग्रोसरी के लिए। तो मैंने आपको दिखाया बैटरी हमारी फ्रीज हो गई थी, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, तो फिर बहुत अच्छे नेबर हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए, और देखें आज क्या ग्रोसरी करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको ग्रोसरी दिखाएंगे। और मेरा ख्याल है आज हम एक और कोई नए स्टोर पे जा रहे हैं, देखते हैं। और सामने घर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलें जी, लेट्स गो। मैं अमेरिका के होलसेल स्टोर में, और देखें हाँ जी, ये दो है, ये एक है, हाँ हाँ फ्रिज। अच्छा, देखें जी फ्रिज, देखें आप, तो ये देखें इतना जबरदस्त फ्रिज है। तो अगर ये प्रेस करें, हाँ, तो ये देखें इसके फंक्शन देखें आप, बहुत बड़ा फ्रिज है डबल। और ये अलग है, इसका ऊपर का एक है, और ये वेजिटेबल का था, और ये जो नीचे है ये फ्रीजर है। अब फ्रीजर भी देख लें आप, इतना ज़बरदस्त फ्रिज है ये। और है पता कितने का? इट्स अ 3099। ये नहीं के पाकिस्तानी 6 लाख का बना, ये पाकिस्तानी 6 लाख का। तो देखिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि यहाँ पे कितने का है, और यहाँ पे यहाँ के रेट्स हम आपको बताते हैं पाकिस्तानी प्राइस में। तो ये वाला चूल्हा देखें, ये 2000 का है, ये नहीं कि पाकिस्तानी 4 लाख का ये चूल्हा। तो लेकिन इसके फंक्शन ज़बरदस्त हैं, बस उन्होंने ये आपको दिखाते हैं, ये देखें इस तरह, और ज़बरदस्त चूल्हा है, ऊपर माइक्रोवेव, ऐसे ही हमारे माइक्रोवेव सेट होते हैं। और ये देखें चूल्हे के अंदर माइक्रोवेव के फंक्शन बस इसके थोड़े डिफरेंट है। माइक्रोवेव भी देख रहे हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे चूल्हों ये इसी तरह माइक्रोवेव होते हैं, चूल्हे के ऊपर ही होते हैं। अब ये देखें फंक्शन पीस के ज़बरदस्त हैं। तो ये आगे एक और फ्रिज आ गया है, ये देखें ज़बरदस्त फ्रिज, ये वाला भी, ये है जी 4000 का, वो वाला 3000 का था, ये 4000। आई फंक्शन समझाओ इसका क्या फंक्शन है, इधर देख लें, ये है क्या, देखें डिजाइन कैसे बना रहा है वो, लिविंग रूम का, ये देखें फोन के साथ कनेक्ट होता है और डिजाइन बना सकते हैं। ओह माय गॉड, देख लें चेक करें आप, ये एक नई चीज आ जा गई है, बस अमेरिका में कुछ ना कुछ नया ही आता रहता है, जब स्टोर आओ कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो जी देखते रहे बस, ये रोबोट जो है हमने, ये मेरे वाला है। अच्छा ये देखें, ये स्टीमर है, और मेरा जो स्टीमर है वो ख़राब हो गया, और मैं अब ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा स्टीमर मिले मुझे। तो ये स्टीमर है, मुझे भाई ये स्टीमर कितने का है, 34 का। तो ये स्टीमर जो है 34 का कितना बना पाकिस्तानी, 6800 का बना। तो जी ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, और ये बहुत आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन लिया करें, ताकि आपको पता चले घर बैठे आपको हर चीज़ पता हो, कि वहाँ पे किसी से आप अगर आप कोई डिस्कस भी कर रहे हो तो आपको भी पता हो कि हाँ हाँ ये तो हमें भी पता है। तो देखना चाहिए ऐसे प्रोग्राम। टू स्टैंड है जो मुझे अच्छा लग रहा है, और ये है $50 का, यानी 10000 का ये शू स्टैंड है। और वैसे तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे एक और भी चाहिए। तो चलें आगे देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। अच्छा ये वाला स्टीमर तो मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे अच्छा लगा है, तो मैं घर में जाके आपको दिखाऊंगी कि इसके क्या फंक्शन है। ये आयरन भी हो जाता है और स्टीमर भी हो जाता है, तो बेस्ट है $34 में, यानी कि पाकिस्तानी 6000 का बन गया, तो अच्छा है, मैं तो ये ले लिया। तो और देखते हैं क्या क्या है आगे। अच्छा ये हैं वेजिटेबल्स के लिए, तो
ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, मतलब वेजिटेबल फ्रूट धो के इस पे रखें, और इसके नीचे जो इन्होंने दिया हुआ है ना, देखें इस तरह, ये देखें, तो पानी जो है आराम से ड्राई हो जाता है सब्जियों में से जो भी आपने धोई हैं चीज़ें, तो ये अच्छा है। ये चार कितने के हैं, $20 के, पाकिस्तानी 4000 के। तो चलें जी आगे भी देखते हैं और क्या। और ये वाले जो हैं ये कितने के हैं, ये भी $20। अच्छा ये है स्टेनलेस स्टील का सेट है, 12 पीस है, 12 पीस इसमें इस तरह होते हैं कि ढक्कन भी है वो अंदर पीस में शामिल करते हैं, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये है 200 का पाकिस्तानी, 40,000 का ये सेट बना, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, और 200 यहाँ के लिए ठीक है, मतलब अच्छे प्राइस हैं, क्योंकि जो होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं फिर वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये अच्छे वाला है, तो इसके बारे में ज़रा मैं सोच रही हूँ कि इसके बारे में क्या लूँ या ना लूँ, अभी सोच रही हूँ, लेकिन ये है 200 का और बहुत अच्छे वाला है, तो चलें देखते हैं क्या होता है। अच्छा तो यहाँ पे विंटर जैकेट्स भी आई हुई हैं और काफ़ी मोटी हैं और लाइट वेट है, वेट इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन, और ये है जी $64 की, मुझे ये इसलिए अच्छी लग रही है कि काफ़ी लाइट वेट भी और गर्म भी है, तो देखें मैं अपने बेटे के लिए देखी, क्योंकि विंटर तो आपको पता है हर सर्दियों में आपको जैकेट हर साल लेनी पड़ती है, क्योंकि जैकेट भी बहुत यूज़ होती हैं। इसके अलावा ये रेड कलर में भी है इसी में, ये देखें, तो $64 की बनी, तो कितने की बनी, 12,000 की पास, तो जी 12,000 की बनी ये, तो चलें आगे देखते हैं और क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कपड़े ही कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े हैं, इतना बड़ा होलसेल वाला स्टोर है ये के हमने। अच्छा बच्चों की भी यहाँ पे देखें, अच्छा ये देख रहे हैं आप फुल लॉन्ग जैकेट्स हैं, और ये वाली हैं $19 की, देखें $19 की, यानी कि पाकिस्तानी बनी नहीं तो 40 की है ये वाली, ये लॉन्ग वाली जो है 40 की पाकिस्तानी 8,000 की बनी है, और काफ़ी यहाँ के मुताबिक ये सही प्राइस है उनके, ये इतनी महंगी नहीं है, ये देखें हर कलर में, ये देखें, और नीचे देखें ये वाली जैकेट्स डबल डबल, ये देखें उनकी डबल डबल है, हर कलर में जैकेट्स हैं, जिधर देखें कपड़े 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 ही कपड़े, और देखें हर तरह नजरें दुराएं बस कपड़े ही कपड़े, उधर देखें आगे भी कपड़े ही कपड़े। तो हम मैंने लेने नैपकिन वगैरह लेने, तो ये देखें कितना बड़ा स्टोर है, देखें बहुत बड़ा, ये होलसेल का अमरीका का स्टोर है, बहुत बड़ा देखें, और चलें जी मैं यहाँ से अपने नैपकिन लेती हूँ, और हमने बार टावल भी लेने हैं, तो हमने मैंने तो ये लिए हैं, और इसमें तकरीबन 12 रोल्स हैं जो के 26 के हैं, तो 26 के कितने बने, 4,000 के बन गए नैपकिन्स। तो चलें जी आगे देखते हैं और क्या है। अच्छा मैंने तो ये लिए हैं अभी तक, ये देखें ये। अच्छा जो हम बच्चों के स्नैक्स लेते हैं मैं अपने वॉलमार्ट स्टोर से लेती हूँ ना, ये उससे डबल है ये वाले, तो ये वाले जो है ना उससे डबल हैं, और $7 के, यानी कि पाकिस्तानी 1400 के बने ये, तो ये देखें आगे देखते हैं और क्या है। सही है ये, ठीक प्राइस है। तो अब हम दोबारा
अपने स्टोर में आ गए हैं, जो हमारे नेबरहुड का स्टोर है, वॉलमार्ट आ गए। और मैं खाने लगी हूँ पम्पकिन पाए। मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया है और उसके बाद ये थोड़ी सी अंदर ऐसे ये डालेंगे क्रीम, और अब इसको एंजॉय करते हैं। तो ऐसे बहुत मज़ेदार। तो हम ये खाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने होलसेल वाले, आज मैंने आपको होलसेल यहाँ पे दिखाया स्टोर। तो असल में ये होता है स्टोर बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नहीं होती, आप यहाँ पे तीन तीन महीनों की चीज़ें होती हैं अंदर, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले तो आपको पता है फ़ौरन यूज़ करते हैं, उनका तो फ़ौरन इस्तेमाल होता रहता है। तो मैंने आपको वो दिखाया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं वहाँ से लेके भी आई हूँ। वो एक तो स्टीम आयरन मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मैं लेके आई, मैंने यूज़ करना है इंशाल्लाह। तो मैं लेके आई थी ये स्टीम, और ये साथ आयरन भी बन जाती है, तो ये लेके आई थी। जब यूज़ करूँगी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब हम घर आ चुके हैं, और ग्रोसरी बाकी मैंने वॉलमार्ट एक और स्टोर गई थी वहाँ से भी की, तो मिक्स की कहीं से, यहाँ से मैंने ये चीज़ ली, और इसके अलावा दूध वगैरह भी ले लिया था, और अंडे भी हमने यहीं से लिए, कुछ चीज़ें थी वो जो वॉलमार्ट से ली। तो मैंने आज आपसे शेयर किया होलसेल का भी, मैं जितना हो सकता था मैंने आपको कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी और भी आपको दिखाऊँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।